तो दोस्तों आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काला दिन है क्योंकि एक साथ 9 लोग चले जाते हैं और इस खबर को सुनते ही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से सुन्न हो गई है। और सुन्न क्यों नहीं होगा, ऐसा ही घटना ही घटा है, एक साथ 9 लोग चले जाते हैं। तो आइए इस घटना के बारे में बातचीत करते हैं कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों एक स्कॉर्पियो में 8 लोग बैठे थे, सासाराम से निकले थे बनारस जाने के लिए, लेकिन बीच में अचानक से घटना घट जाती है। जगह का नाम भी आप सभी को बताना चाहता हूँ, मोहनिया में एक जगह पड़ता है देवकली, वहीं पे यह घटना घट जाती है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो वाला ने मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में ट्रक में टक्कर मार देता है, जो कि मोटरसाइकिल सहित 9 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। और प्रशासन द्वारा सब कुछ जांच वांच के इन सभी लोगों के डेथ बॉडी को भभुआ के सदर अस्पताल में भेज दिया जाता है, जिसमें से 4-5 लोगों का नाम पता चलता है और ये सभी लोग जुड़े हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, यानी ये सभी लोग भोजपुरी कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं। पिछला वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी दे दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, एक बात और आप सभी बताना चाहता हूँ, उस वीडियो का यूट्यूब के द्वारा कमेंट को ऑफ कर दिया गया है। और ये जितने सभी कलाकार लोग हैं ये रहने वाले हैं बिहार के बक्सर जिला के, और मोटरसाइकिल वाले का डिटेल अभी नहीं पता चला है कहाँ के रहने वाला है वो। हाँ तो दोस्तों आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री 8 कलाकार लोग एक साथ चले गए, जिसमें से एक मोटरसाइकिल वाले को लेकर 9, और सभी लोग पोस्ट करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्रमोद प्रेमी यादव, अनुपमा यादव और अखिलेश कश्यप, हालांकि अखिलेश कश्यप के गांव के ही रहने वाले ये 8 लोग थे। और पवन खेसारी भी कुछ देर में पोस्ट कर सकते हैं, अभी पोस्ट नहीं किए हैं लेकिन कुछ देर में जरूर पोस्ट करेंगे।